जांजगीर चांपा जिले में लगातार हो रही चोरी की वारदातों का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। दरअसल पुलिस को लगातार चोरी की शिकायतें मिल रही थीं। वहीं पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के द्वारा टीम गठित कर तलाशी की गई और जहां पर एक संदिग्ध को पिसौद गांव के पास से हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ हुई और उसकी सामान की तलाशी ली गई, तब चोरी का खुलासा हुआ, जहाँ चोर की निशानदेही पर उनके अन्य साथी 5 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बताया जा रहा है कि 6 लोगों की चोर गिरोह बहुत ही शातिराना ढंग से चोरी को अंजाम ये देते थे। पहले गांव में अलग अलग जगह घूमकर रैकी करते थे, सूने मकान में ताला तोड़कर ये चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। इसी दौरान एक हल्का सा फुटेज मिला जिसमें 2 लड़के एक होंडा शाइन गाड़ी में दिखे, होंडा शाइन गाड़ी जैसी दिख रही थी और थाना प्रभारी बिर्रा अविनीश वो भी शामिल थे। रात में जो रेड करनी पार्टी गई थी, तो इस तरीके से पूरे जिले की टीम को इसमें शामिल किया गया था, इन्वेस्टिगेशन किया और बाकी रिकापड़ी के भी शामिल थे और बाकी टीम में लखेश केवट थे जो थाना प्रभारी जांजगीर है। जो पूरी कार्रवाई है वो SDOP जांजगीर परमा के निर्देशन में हुई थी।